नमस्कार, टीम IIT आज फिर हाजिर है एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ, जिसमें आपको मिलेगी डीप इंडस्ट्रियल इंसाइट और एक्सपर्ट नॉलेज एक नए बिजनेस के बारे में। एडहेसिव टेप को हम टेप या फिर सेलो टेप के नाम से भी जानते हैं। सेलोफिन टेप का नाम इसमें इस्तेमाल होने वाली सेलोफिन शीट की वजह से पड़ा। आमतौर पर एडहेसिव टेप का इस्तेमाल किसी भी दो सतह को अटैच करने या जॉइंट करने के लिए किया जाता है। आज के इस दौर में एडहेसिव टेप के जितना कारगर और कोई दूसरा एडहेसिव विकल्प नहीं है। किसी भी दो सतह को एडहेसिव टेप से एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेल और पैकेजिंग इंडस्ट्री में आई ग्रोथ के कारण एडहेसिव टेप की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। एडहेसिव टेप दो तरह के हो सकते हैं, पहला ट्रांसपेरेंट और दूसरा प्रिंटेड, जिसमें आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। रॉ मटेरियल, एडहेसिव टेप बनाने के लिए आपको BOPP फिल्म, वाटर बेस्ड एडहेसिव, पेपर कोर, कलर पिगमेंट और इंक की जरूरत पड़ सकती है। मशीनरी, एडहेसिव टेप प्लांट में आपको एडहेसिव कोटिंग मशीन, हॉट एयर सिस्टम, स्लिटिंग मशीन और कोर कटर मशीन की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेसिंग, सबसे पहले एनवाइंडिंग स्टेशन पर BOPP फिल्म का जंबो रोल लगाते हैं। यहाँ से BOPP शीट गमिंग स्टेशन की ओर जाती है। गमिंग स्टेशन पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गम को पिगमेंट कलर करके पहले से तैयार रखते हैं। गमिंग स्टेशन पर एक रोलर घूमते हुए शीट को अच्छी तरह से ग्लू अप्लाई करता है। इसके बाद मेयर बार से एक्स्ट्रा ग्लू की कटिंग हो जाती है। जितने माइक्रोन की टेप रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से ग्लू की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ग्लू की हुई शीट्स हॉट एयर चैम्बर के अंदर जाती है। हॉट एयर चैम्बर में ग्लू में मौजूद एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सुखा दिया जाता है। अच्छी तरह से सूखने के बाद यह शीट रिवाइंडिंग स्टेशन पर आ जाती है। रिवाइंडिंग स्टेशन पर ग्लू और ड्राइड शीट को जम्बो साइज में रोल कर लिया जाता है। कोर कटिंग, एडहेसिव टेप का बेस बनाने के लिए पेपर कोर का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर कोर के रोल्स को ज़रूरत की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कट कर लिया जाता है। कोर कटिंग मशीन पेपर कोर को रिक्वायर्ड साइज में काट देती है। स्लिटिंग मशीन पर एक तरफ पहले से तैयार जंबो रोल को लगाते हैं और दूसरी तरफ रिक्वायर्ड साइज के कोर को एक बैरल पर सेट करते हैं। स्लिटिंग मशीन से जंबो रोल रिक्वायर्ड साइज में कट हो जाता है और डिजायर्ड साइज के छोटे छोटे रोल्स में कलेक्ट हो जाता है। स्लिटिंग मशीन के पैनल पर आप रोल किए जाने वाले टेप की लंबाई को भी सेट कर सकते हैं। एडहेसिव टेप के रोल तैयार हैं। इसे श्रिंक फिल्म में लॉक करके कार्टन्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। इन मशीन्स के साथ आप ट्रांसपेरेंट, मिल्की वाइट, ब्राउन और प्रिंटेड टेप भी बना सकते हैं। प्रिंटेड और ट्रांसपेरेंट टेप दोनों की डिमांड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा स्टेशनरी मार्केट में भी एडहेसिव टेप की रिक्वायरमेंट होती है। एरिया, हॉट एयर चैम्बर की लेंथ लगभग 48 फीट और हाइट 14 फीट होती है। इसको ध्यान में रखते हुए एडहेसिव टेप प्लांट के लिए मिनिमम 70x40 फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है और प्लांट की हाइट मिनिमम 15 फीट होनी चाहिए। मैन पावर, एडहेसिव टेप प्लांट में कम से कम 2 स्किल्ड और 4 अन्य मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट, इन सभी मशीनों के लिए आपको लगभग 17 से 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जमीन की लागत को भी ध्यान में रखना होगा। इस व्यवसाय से आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सफर को शुरू कर सकते हैं, जिस सफर में आपका साथ देता है IIT इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको आपके बिजनेस आइडिया की पूरी जानकारी, एक्सपर्ट एपिसोड, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। और डिटेल जानने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक के द्वारा हमसे संपर्क करें। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए।